अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर टू ऑफ आर ब्लॉगिंग कोर्स। सो यार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने लेक्चर वन में बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। सो लेक्चर टू इज़ ऑल अबाउट कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या क्या करना है। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आपको ब्लॉगिंग के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो मेन चीज़ ये है। अब नब आप सब ने देखें, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलने वाला हूँ। आप ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ अच्छे से लग जाएगी। सो यार देखें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ नीश रिसर्च, ठीक है। हम इस कोर्स के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि आप अपनी नीश कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नीश बेसिकली क्या होती है, नीश क्या है? नीश एक कैटेगरी है, ठीक है, या फिर एक आप कह सकते हैं कि एक लाइक टॉपिक है, या फिर टॉपिक से भी अलहदा होके आप कह लें कि आपकी वेबसाइट पे आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो, ये होती है नीश। यानी कि मुझे अगर टेक्नोलॉजी पसंद है, मैं टेक की वेबसाइट बनाऊंगा, ऑब्वियसली मेरी नीश होगी टेक्नोलॉजी। अगर उसके अंदर मुझे लाइक मोबाइल्स के ऊपर करना है, ठीक है, तो मेरी नीश क्या हुई, टेक्नोलॉजी एंड देन मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। अगर इसी तरीके के साथ मैं मोबाइल फ़ोन की भी आगे बैटरीज के ऊपर लिखता हूँ, तो मेरी नीच क्या होगी, मोबाइल फ़ोन्स, टेक, मोबाइल फ़ोन्स और देन बैटरीज, ठीक है। सो ये होती है नीच। नीच आपकी दो तरह की होती है, जैसे कि जिसमें एक होती है कि मैक्रो नीच और एक होती है माइक्रो नीच, ठीक है। जनरल वेबसाइट्स भी होती हैं जिनमें आप सब पे लिख रहे होते हो, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, फिटनेस, इसी तरह से हर चीज़ पे आप लिख रहे होते हो। एक एक वेबसाइट के अंदर आप हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अगर आप लाइक स्टार्टर हो, आप बिगिनर हो, आपको एक माइक्रो नीश से स्टार्ट करना फीजिबल रहेगा, क्योंकि जो माइक्रो नीश होती है उसके ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। आपको ब्लॉग स्टार्ट करते ही काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो के लाइक अच्छा रिस्पांस मिलता है, आपका ब्लॉग जल्दी चल जाता है, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग स्टार्ट करें माइक्रो नीश से, और माइक्रो नीश कैसे ढूंढते हैं, क्या क्या करते हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी कोर्स के अंदर देखेंगे, सही है। सो एक तो चलें ये हो गया कि आपको अपनी नीश डिसाइड करनी होगी कि आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ इस कोर्स के अंदर ये होगी कि यार आप लोगों को एक अच्छा डोमेन नेम ढूंढना है, ठीक है। अच्छा डोमेन नेम ढूंढेंगे, अपनी नीश से रिलेटेड ढूंढ लें या थोड़ा जनरल ढूंढ लें, उसके अंदर बाद में लिखना शुरू कर दें, ठीक है। जनरल नेम, जैसे कि जनरल नेम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रेंड होता है, और इस तरह से मज़ीद ऐसी काफ़ी सारी कीवर्ड्स हैं जो कि जनरल में ब्लॉग आ जाता है, और इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो आपकी लाइक वेबसाइट के अंदर होते हैं, जैसे कि arblog.com और इस तरह से कुछ भी, ठीक है। सो इस तरीके के साथ आप चल सकते हो। हाँ, अगर नीश स्पेसिफिक नेम भी करना है, जैसे कि आपने फ़र्ज़ किया कि आपने APK के रिलेटेड अपनी नीश चूज़ कर ली, और उस नीश के ऊपर आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो भी लाइक आपकी नीश को ही रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम आपकी वेबसाइट के कंटेंट से मैच करें, तो जैसे कि आप APK की वेबसाइट बना लेते हो, APK smash.com, APK pure.com, कुछ भी है, ठीक है। सो इस तरीके के साथ इसके बाद बात आ जाती है होस्टिंग की। आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, डोमेन ख़रीदनी पड़ेगी। डोमेन आती है कोई मेरे ख्याल से 1500-1600 की डोमेन आएगी आपकी फ़र्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको होस्टिंग ख़रीदनी पड़ेगी। होस्टिंग आप एक वेबसाइट के लिए भी ख़रीद सकते हो, होस्टिंग आप मल्टीपल साइट्स के लिए भी ख़रीद सकते हो, ठीक है। सो होस्टिंग कहाँ से ख़रीदनी है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और मज़ीद आप लोगों को जो 25% या 20% डिस्काउंट्स मिलते हैं कूपन कोड लगाने के बाद, वो कूपन कोड्स आपको मैं अपने ही इंशाल्लाह ताला दे दूंगा, ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिल सके, फर्दर अच्छा डिस्काउंट मिल सके। सो आप लोगों ने अपनी नीश चूज़ करनी होती है, आप लोगों ने अपना डोमेन देखना होता है, आप लोगों ने अपनी होस्टिंग चूज़ करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपने डोमेन और होस्टिंग को सेटअप कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, आप लोगों ने ये भी डिसाइड करना होता है कि आप किस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे जा रहे हो, किस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को आप चूज़ कर रहे हो अपने ब्लॉग के लिए। तो डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है। जैसे आप ब्लॉगर कर सकते हो गूगल का, उसके अंदर आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो
आपको जो मैं रिकमेंड करता हूँ डैट इज़ वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर अच्छा काम होता है, क्वालिटी काम हो जाता है। ठीक है, क्वालिटी काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, सो वर्डप्रेस के अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम किन किन को यूज़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके अलावा वर्डप्रेस का कंप्लीट सेटअप और इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। सही है, सो एक ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके बाद आपने जस्ट काम करना होता है ब्लॉग को बनाने। मेरे ख्याल से कुछ ही लेक्चर्स के अंदर हम ब्लॉग बना लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। और काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होना चाहिए, SEO क्या है, गेस्ट पोस्टिंग क्या है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।